मॉर्निंग, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो माशी मामलात जो चलते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ दुनिया की तरफ हम जब अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे हमारे मुल्क और उसके मामलात में तिजारती मामलात फ़र्क वाज़े नज़र आता है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़, क्योंकि उनके पास ज़र मुबादला फ़िलहाल है और हमारे पास कम है रिज़र्व, इस वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए बहुत वाज़े तौर पे बनाई है। और आप सिर्फ उनकी एक छोटी सी आइटम जिसे हम प्यास कहते हैं, अगर सिर्फ उस पर नज़र डालें तो इलम हमें ये होता है कि उसकी एक्सपोर्ट हर महीने 7 अरब के करीब है। सिर्फ प्याज उसकी जो है वो बल्कि 70 अरब के करीब है और दीगर चीज़ें इसके अलावा है। उन्होंने कई अपनी चीज़ में मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं माशियात, उसके टैक्सेस के मामलात गड़बड़ इस वजह से हो रहे हैं कि हम सिर्फ दो सनतों को देखते हैं। अपनी दो सनतों में एक हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है और दूसरी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जब हम इन दो सनतों को देखते हैं तो पता चलता है कि नंबर वन पर ऑटोमोबाइल है। उसकी बुनियादी सबब ये है कि ऑटोमोबाइल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई सरमाया नहीं लगता, जबकि वो वहाँ से जो माल आता है उसके से उसकी बुनियाद पर टैक्स रिवेन्यू जनरेट होता है, जो दुनिया भर से गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ या नई गाड़ियाँ ये जो आती थी, तो इससे मुल्क में ड्यूटी का परसेंटेज बहुत हाई होता था, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का इत्तला के मुताबिक खर्च नहीं होता था। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि वहाँ से पेमेंट गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी करते थे और यहाँ पर ड्यूटी की शरह हासिल हो जाती थी। अब दूसरे जो मैटर है वो मोबाइल की फील्ड का है। मोबाइल फील्ड में जो कंप्लीट मोबाइल फ़ोन हम मंगवाते थे साला साल से, जो सिस्टम चल रहा था, उससे तकरीबन 55 से 75 अरब के दरमियान सरमाया हासिल होता था ड्यूटी की मद में। वो जब पाकिस्तान में ये असम्बलिंग प्लांट जिसको हम मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं शुरू किए गए, जिसमें अब तक तकरीबन 30 से ज़ायद यानी 31 भी हो गए हैं, अब ये शामिल हुए असम्बलिंग प्लांट के ज़मरे में, तो उसकी ड्यूटी की शरह मुस्तकली तौर पर कम से कम होती चली गई। और अब सूरत हाल ये है कि ना आसमान पे हैं ना हम ज़मीन पर हैं, बीच में अटके हुए हैं, यानी जो मुहावरा कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो ना हम कंप्लीट मोबाइल मंगवा रहे हैं जिसके मद में ड्यूटी हमको हासिल हो सके, ना हम एलसी खोल रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में मोबाइल सनत चल सके, जो अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें उस बुनियाद पर है कि यहाँ पर जो हम सरमायाकारी कर रहे हैं उसमें और हिंदुस्तान में मरकज़ी फ़र्क क्या है। हिंदुस्तान में $100 से इत्तला के मुताबिक $100 के अंदर जितनी चीज़ें हैं, यानी जो मोबाइल हैं, वो एक्सपोर्ट सिर्फ $100 के अंदर मकामी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो कर सकती हैं, उसका रिलीफ उसका फंड्स जो है वो वहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को भी वो फराहम करते हैं। जो बड़ी बड़ी ब्रांड हैं जिसमें चाइना की मारूफ ब्रांड हैं वो, या एप्पल या जो भी कंपनियां कर रही हैं काम वहाँ पर, जिसमें इन्फिनिक्स भी है, रियल मी भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है और टेक्नो भी है और दीगर कई कंपनियां काम कर रही हैं, उन्हें $100 के अंदर जो है, $100 से ऊपर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, $100 के नीचे
31 दिसंबर तक लास्ट वो कीमी है। अभी जो आखिर में इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, वो जो पिछले यानी दिसंबर में जो लगाए हुए हैं जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो आप थोड़े दिनों में ये भी मसला हल हो जाएगा और वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लोकल ब्रांड को ही फ़ायदा होगा उससे। पाकिस्तान में ये जो है हम एक्सपोर्ट करने की बातें जो कर रहे हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन इम्पोर्ट में अब जो बुनियादी फ़र्क आता चला आ रहा है यानी आता जा रहा है वो ये है कि अब डॉलर्स पहुंच गया है आज तकरीबन 276-78 रुपए इंटरबैंक। इसका मतलब ये हुआ कि अब हुकूमत से इदारे जो है जो इस वक्त प्याज या दीगर चीज़ें मंगवा रहे हैं वो 365 दिन की उधारी पर जो जो हुकूमत चाहती है वो हो गया, 1 साल बाद अदायगी करनी है। अब राजी हो गए पेमेंटों के मैटर पे भी, कंपनीज भी राजी हो गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में कोई मजबूत फैसला आने की पक्की उम्मीद है। और दोनों हमारी इत्तला सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कंप्लीट मोबाइल भी आएंगे और रॉ मटेरियल भी मोबाइल असेंबलिंग प्लांट के हिसाब से आएगा, और उस पर ड्यूटी होने का, ड्यूटी लग जाने का इम्कान है। जो पाकिस्तान में तैयार होगा उस पे भी ड्यूटी हुकूमत वसूल करेगी, क्योंकि IMF का दबाव है हर मामले में। ड्यूटी जब वो क्लियर करेंगे, जब आप उनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मौके फराहम करेंगे, बताएंगे कि हम यहाँ से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो डॉलर्स जो ऊंची उड़ान उड़ रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो अब इस सतह पे आ गया है कि अब लोकल और यानी जो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं लोकल ब्रांड या चाइनीज ब्रांड या XYZ जितने ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं, जिसमें सैमसंग समेत यानी कोरियन ब्रांड भी शामिल है, वो मंगवा सकते हैं और तैयार करेंगे। हुकूमत इंशाल्लाह वो उसके लिए लाइसेंस खोलने की यानी अपनी LC खोलने की इजाज़त के मामले में संजीदा हो चुकी है। ये आपको, लेकिन आपको बताता चलूं कि हुकूमत अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंप्लीट मोबाइल फ़ोन भी मंगवाने जा रही है। और ये जो इज्तिमा हो रहा है इसकी स्टोरी आपको मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल दूंगा मज़ीद और स्टोरीज के साथ। चैनल को सिर्फ एक बात है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।